डेली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम डेली बेसिस को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। तमाम डेली बेसिस को पक्का करो पक्का करो पक्का करो पक्का करो। मिनिमम बेसिस एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो। मिनिमम बेसिस एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो। पेंडिंग सैलरी रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो। पेंडिंग सैलरी रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो। तमाम डेली बेसिस को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। तमाम डेली बेसिस को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। मिनिमम बेसिस एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो। मिनिमम बेसिस जिंदाबाद जिंदाबाद। एम्प्लॉयज यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंडिंग सैलरी रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो। पेंडिंग सैलरी रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो। तमाम डेली बेसिस को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। तमाम डेली बेसिस को पक्का करो पक्का करो। मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, आज हमारी चेन हंगर स्ट्राइक का 5वां दिन है, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी जो डिसीजन नहीं सामने आ रहा है, इसीलिए हमने एक चेन हंगर स्ट्राइक का जो कार्यक्रम रखा है वो रखा है कि जब तक बजट सेशन चल रहा है, हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि बजट सेशन में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए और पेंडिंग सैलरी के लिए कोई ना कोई प्रोविज़न रखा जाए। और आपके चैनल के माध्यम से सभी डेली वेजर साथियों से मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि 22 तारीख सोमवार को चीफ कम्प्लेक्स बीसी रोड में एक बड़ा प्रोग्राम जो हमारे हमने रखा हुआ है, सभी साथी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करते हैं कि हमें बड़े आंदोलन पर जाने के लिए मजबूर ना करें। बजट सेशन चल रहा है, जैसे मेंबर पार्लियामेंट ने परसों डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का मुद्दा वहाँ पर रखा है, हम यही चाहते हैं, गवर्नर साहब से भी यही अपील करते हैं और मेंबर पार्लियामेंट से भी यही अपील करते हैं कि इस बजट सेशन में कोई ना कोई प्रावधान जो डेली वेजर के लिए रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो 22 तारीख को हम एक बड़े आंदोलन की घोषणा यहाँ से करेंगे और जो भी हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बनेंगे उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। और अब डेली वेजर इस स्थिति में पहुँच चुका है कि अगर हमें कोई सामूहिक आत्मदाह जैसा कदम भी उठाना पड़ा तो उसके लिए राज्यपाल प्रशासन और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार जिम्मेदार होगी।